राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस को घेरने वाले पीएम मोदी अब अपने बयानों पर भी घिरते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने सीबीआई के एक कार्यक्रम में कहा कि सीबीआई को अपने काम पर ध्यान देना है, किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो क्या है इस बयान के सियासी मायने, कैसे विपक्ष ने कर दी पीएम मोदी की घेराबंदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पता है जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो सालों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, कुछ राज्यों में आज भी वो सत्ता में हैं, लेकिन आपको अपना काम करना है, किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई से आपको नहीं चूकना है। पीएम ने अपने इस बयान में नाम लिए बिना कांग्रेस सहित आरजेडी पर निशाना साधा था, जिस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम पर तंज कसा। मनोज झा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम के बयान को साझा किया है। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मनोज झा ने पीएम के इस बयान को साझा करते हुए लिखा है, हिचकने की जरूरत नहीं है, उन्हें बेहिचक भाजपा में लाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। वक्तव्य का अंतर्निहित सार ये है। अपने ट्वीट में मनोज झा ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा क्या है ये अच्छे से समझा जा सकता है। यानी पीएम सीबीआई को सीधा आदेश दे रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ आप सख्त एक्शन लें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।